अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आसिम और आप देख रहे हैं हाउ टू डू चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आप इंस्टाग्राम से किस तरह से पैसे कमा सकते हैं। इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी आकर ऑनलाइन कहीं ना कहीं से पैसे कमा सकें। आने वाले दिनों में मैं काफ़ी सारी वीडियोज़ ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से लाने वाला हूँ, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकॉन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। अब पैसे बहुत ज़रूरी हैं ज़िंदगी गुजारने के लिए, जो है ना पैसे बहुत बहुत ज़रूरी हैं। तो गाइस, पैसे तो आप जो है नॉर्मली जो है ऑफलाइन काम करके भी कमा सकते हैं और ऑनलाइन काम करके भी कमा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंस्टाग्राम से किस तरह से आप पैसे कमा सकते हैं, और आज की इस वीडियो में मैं 3 ऐसे तरीके बताऊँगा जिनके थ्रू आप पैसे कमा सकते हैं। पहले वो बंदे भी इस वीडियो को ना देखें जो कहते हैं कि जो फेक लाइक्स और फेक फॉलोअर लेके हम जो है इंस्टाग्राम से अर्निंग कर पाएंगे, या फिर ऐसे बंदे जिनके पास अभी बिल्कुल भी लाइक्स और फॉलोअर इंस्टाग्राम पर ज़्यादा ज़रूरी होता है, फॉलोअर ज़्यादा होना, और जिनके पास बहुत ही कम फॉलोअर हैं 10, 15, 20, 100, 200, ऐसे बंदे बिल्कुल भी अर्निंग नहीं कर सकते। और इस पर अर्निंग कौन कर सकता है? इस पर अर्निंग तो हर बंदा कर सकता है, बहरहाल इसके लिए काफ़ी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ है कि आपके पास काफ़ी बड़ी तादाद में ऑडियंस होनी चाहिए, मतलब 2-2.5 लाख तक के आपके फॉलोअर्स होने चाहिए, तब जाके आप जो है इंस्टाग्राम से अर्निंग कर सकते हैं। अब फॉलोअर्स आपके पास यूनिक होने चाहिए, ये ना हो कि आपके फॉलोअर्स हो 5 लाख हों और आपको लाइक मिलते हों 10-15, मतलब फेक फॉलोअर्स नहीं होने चाहिए। तो सबसे पहले तरीके की बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास इंस्टाग्राम पर अच्छी ऑडियंस है, अच्छे जो है फॉलोअर्स हैं, तो आप किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहली चीज़ है अफिलिएट मार्केटिंग। अब पाकिस्तान में जितने भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, द्राज, ये वो, और उसके अलावा क्या कहते हैं गो टू, इस तरह से एक पाकिस्तान की गो टू पी के इस तरह से एक है, ये सारी जो है वेबसाइट्स हैं, ये आपको अफिलिएट, इनका अफिलिएट प्रोग्राम है जिनके थ्रू आप अर्न कर सकते हैं। अब ये शर्ट जो मैं पहन के बैठा हूँ, मैंने द्राज से ख़रीदी है और इसकी मैं अच्छी अच्छी पिक्चर्स जो है अपनी पिक्चर बना के इंस्टाग्राम पर लगा देता हूँ और लोगों को कह देता हूँ कि अगर ये मेरी शर्ट आपको पसंद आ रही है तो लिंक दिया गया है बायो में, वहाँ से आप जो है इसको ख़रीद सकते हैं। इससे क्या होगा कि लोगों को मेरी ये शर्ट पहनी हुई अच्छी लगेगी तो वो वहाँ से इंस्टाग्राम से बाय करेंगे, और जैसे ही बाय करेंगे उसमें से आपको थोड़ा बहुत कमीशन मिल जाएगा। मतलब 500 की शर्ट है तो उसमें से कुछ 10-15% आपको जो है कमीशन मिल जाएगा। तो गाइज़, ये तो हो गया पहला तरीका इंस्टाग्राम से अर्निंग करने का, मतलब आप अफिलिएट प्रोग्राम्स के थ्रू मुख्तलिफ ई कॉमर्स वेबसाइट की मदद से आप अर्निंग कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप जो है पेड प्रमोशंस कर सकते हैं। जब आपका एक बड़ा इंस्टाग्राम का अकाउंट होगा, काफ़ी सारे फॉलोअर्स होंगे 2-3 लाख के करीब, तो तब जाके जो है आपके पास बहुत सारे ब्रांड्स आएंगे, जैसा कि मोबाइल फ़ोन्स ब्रांड्स शाओमी, ओप्पो, वीवो, सैमसंग तक भी आपको जो है आके ऑफ़र करेगा कि आप जो है हमारे प्रोडक्ट्स का अपने इस इंस्टाग्राम पर जाके है जो है एक पोस्ट लगाएंगे, ये फ़ोन मैंने ख़रीदा है, फ़ोन अच्छा है, मतलब पेड प्रमोशन आप करेंगे। इस तरह से होगा कि बहुत सारे ब्रांड्स आपसे कॉन्टैक्ट्स करेंगे और कहेंगे कि आप हमारे इस प्रोडक्ट के लिए एक पोस्ट लगा दें, हम आपको इतने लाख दे देंगे, आप हमारे इस प्रोडक्ट के लिए ये पोस्ट लगा दें, आपको इतने डॉलर मिल जाएंगे। इसी तरह से जो है आप जो है बहुत सारे ब्रांड्स की प्रमोशन करके यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं, इसी सूरत में कि आपके पास काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स हों और ऑर्गेनिक हों, ये ना हो कि बिल्कुल फेक आपने कहीं से लिए हों, किसी वेबसाइट से जनरेट किए हों फॉलोअर्स, ऐसे फॉलोअर्स बिल्कुल भी नहीं काम करते। तीसरा जो तरीका है इंस्टाग्राम से अर्निंग करने का, वो ये है कि आपने कोई भी प्रोडक्ट बनाया है, कोई भी चीज़ बनाई है, आप चाह रहे हैं कि उसको
बेचा जाए इंस्टाग्राम के थ्रू। यहाँ पर आप इंस्टाग्राम के थ्रू अपने उस प्रोडक्ट को बड़ी आसानी के साथ सेल कर सकते हैं। यहाँ पर आपने इंस्टाग्राम पर एडवर्टाइजमेंट करनी है और एडवर्टाइजमेंट करके काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरी एक स्मार्टफोन की कंपनी है, ये वाली मेरी नहीं है, मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल लेके चलते हैं, और मैंने ये फ़ोन सेल करना है तो इसके लिए मैं इसकी एक अच्छी सी ऐड बनाऊंगा और उसको इंस्टाग्राम पर रन कर दूंगा। मतलब कुछ 10-15 हज़ार लगा के एक मैंने ऐड चला दी अपने किसी भी प्रोडक्ट के लिए। अब उस प्रोडक्ट को जितने लोग देखेंगे वो ख़रीदेंगे, मुझसे कॉन्टैक्ट करके ख़रीद लेंगे, जितनी भी चीज़ें उनको चाहिए होंगी या जो भी प्रोडक्ट होगा। इसी तरह से आप जो है अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बना के या कोई भी अपना प्रोडक्ट आपका है, आपका अपना है, तो उसको आप इंस्टाग्राम के थ्रू सेल कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आप काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। ये थे 3 तरीके जिनकी हेल्प से आप जो है काफ़ी अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। पहला अफिलिएट प्रोग्राम, दूसरा हो गया जनाब पेड प्रमोशंस अगर आपके इंस्टाग्राम पर काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, और तीसरा आप अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पर की एड रन करके काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। उम्मीद है आज की इंस्टाग्राम के बारे में वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो ज़रूर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हाफिज़ पाकिस्तान, जिंदाबाद।